अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज है सैटरडे, 9:15 बज गए हैं। रमीज़ को मैंने ब्रेकफास्ट बना के दे दिया है, बच्चे अभी भी सो रहे हैं। और रमीज़ अपना ब्रेकफास्ट आज अपने साथ में लेके गए हैं क्योंकि उनको थोड़ा लेट हो गया था। और मैंने अपने लिए यहाँ पर चिकन मुर्तदेला सैंडविच बनाया है, साथ में एप्पल चीज़ केक और चाय। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सोचा मैं सफाई कर लूँ, लेकिन इल्हाम उठ गई तो फिर उसके साथ में मैं भी सो गई। तो अभी 12:15 बजे मैं उठी हूँ। तो कपड़े वगैरह मैंने सुबह में ला के यहाँ पर डाल दिए थे, लेकिन तय नहीं किए थे। और दूसरे जो वॉशिंग के कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाल दिए थे सुबह, अभी वो वॉश हो गए होंगे। वो निकाल के उनको हैंग करती हूँ और घर की सफाई वगैरह करती हूँ। ब्रेकफास्ट तो मैंने जो बनाया था सुबह इशाल के लिए भी सेम ब्रेकफास्ट था, तो उसने कर लिया है, नमाज भी पढ़ ली उसने उठ के। अभी दोनों बाहर गई हैं सीधा। शाल को मैंने कल बोला था कि तुमने डेली उठना है सुबह और उठने के बाद अपना बेड बनाना है, तो लेकिन ये आज भूल गई थी। तो अभी मैंने इसको वापस बुलाया बाहर से, तो अभी ये बिस्तर सही कर रही है। इल्हाम कितनी चेंज दिख रही है, बाल कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं उसके। सामने वाली बाजी भी बोल रही थी कि तुमने क्या गद बनाई, वो सोची कि मैंने बाल काटे, उनको क्या पता सैलून से कटवाए। हमारे बाजू वाले नेबर जा रहे हैं ना, तो उन्होंने इल्हाम को डॉल दिए। नाम शोमी, वाओ सो क्यूट, शायद उनकी कंट्री की है, मोरक्को वगैरह की है, क्यूट लग रही है। साथ में कैंडी चॉकलेट भी दी, हर रोज ही देते हैं कैंडी चॉकलेट, तो इल्हाम को आज डॉल भी दिए। अभी 2-3 दिन रह गए उनके जाने के बस। सामने वाली बाजी के घर में अभी एक और औरत आ गई है, वो भी विजिट वीजा पे हैं, वो जॉब ढूंढने के लिए आई हैं। तो उन्होंने आज ये आलू का सालन बनाया था तो हमें दिया है। तो इशाल बोलती है मुझे मॉर्निंग में आज यही ब्रेकफास्ट करना है। ये लेफ्ट ओवर रोटी और राइस है, तो बर्ड्स के लिए मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर देती हूँ ताकि वो आसानी से खा लें। हमारे घर के पीछे एक ओपन स्पेस है, तो वहाँ पे सुबह में बहुत सारी बर्ड्स आती हैं, तो वहाँ पे इशाल साइड में रख देगी तो बर्ड्स सुबह में आके खा लेंगे। साढ़े 3 बज रहे हैं, बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है, घर की सफाई भी हो गई है, नमाज भी पढ़ ली है। अब मैं शाल को बोल रही हूँ कि आके कुरान पढ़ लो, तो बस बार बार आती है, बोलती मामा एक मिनट करते करते बस पूरा टाइम निकल जाता है और आना जाना लगाते रहती है बार बार, एक सेकंड भी मतलब घर पे नहीं बैठती, हर वक्त बस बाहर या फिर खतीजा के घर में। जब से हम इस विला में आए इल्हाम को पता नहीं कितनी बिल्लियों ने पंजे मार दिए। आज भी ये कहीं गई थी खतीजा के साथ में बाहर और उसको कोई बिल्ली नजर आ गई थी, उससे खेलने लगी। ये सोचती है फ्रेंडली कैट होती है, वो आगे से वो कैट इसको पंजा मार देती है, तो इतना रो रही थी। फिर बस मैंने इसको ऐसे बेटाडीन से साफ़ किया। और जब से हम लोग इस विला में आए हैं मतलब इस कितनी बार बीमार पड़ चुकी है, अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये बिल्लियों के हर साथ हर वक्त खेलती रहती है उसके वजह से बीमार पड़ी है कि क्या चक्कर है। इस बार तो अच्छा खासा डीप स्क्रैच मारा है। आप लोगों के लिए मेरा एक सवाल है कि अगर बच्चे कैट के साथ में ज़्यादातर खेलते हैं तो क्या वो जल्दी बीमार पड़ते हैं? अगर से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज शाम को मैं बीफ का यखनी पुलाव बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने आधा किलो हड्डी वाला गोश्त लिया है और आधा किलो बगैर हड्डी वाला। अगर से सिर्फ हड्डी वाला गोश्त रहेगा तो पुलाव में मज़ा नहीं आता क्योंकि फिर उसमें ज़्यादा हड्डियाँ हो जाती हैं और बोटी नहीं मिलती, इसके लिए मैंने आधा मिक्स किया है। ग्रोसरी से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी, लेकिन जो हमारे घर के बाजू वाली ग्रोसरी है वो बंद थी शायद इस टाइम पे, तो फिर मुझे खुद जाना पड़ा। तो जो भी सामान नहीं था वो मैं जाके लेके आ गई। इल्हाम और इशाल दोनों घर पे ही थे, बस मैं चुपके से गई थी ताकि इल्हाम ना देख ले मुझे। ये रही हरी चटनी, पुदीना, हरा धनिया, तीन हरी मिर्ची, थोड़ी सी मैंने लिए अदरक और चार मैंने लिए गार्लिक और एक छोटा टमाटर। आज ये योगर्ट मैं सारा यूज़ कर लूँगी क्योंकि इसको एक्सपायर होने में सिर्फ 1-2 दिन बाकी हैं, तो आधा पुलाव में ऐड डाल दूँगी और आधे की चटनी बना लूँगी।
तो सबसे पहले हम गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। और यखनी बनाने के लिए यहाँ पे लिया है मैंने 3/4 कप वाटर, 4 चम्मच जिंजर गार्लिक, 1 बड़ी प्याज और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाले में 1/2 चम्मच सौंफ भी है, 1/2 चम्मच जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च और 1/2 बादियान का फूल और 1 छोटी सी सिनेमन स्टिक। अब बस मैंने इसमें सॉल्ट डाल के कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है और अब 6 से 7 सीटियों का वेट करेंगे, उसके बाद गोश्त को चेक करेंगे। साथ में हम ऑनियन को भी फ्राई कर लेंगे। ऑनियन फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैं अचार का ऑयल ले रही हूँ और ऑनियन के साथ मैंने सारे साबित गरम मसाले भी ऐड किए हैं। ऑनियन को बस हमने हल्का गोल्डन फ्राई करना है, एकदम ज़्यादा नहीं करना। तो बस यहाँ पे ऑनियन अब हो गई है हमारी। अब इसमें टमाटर, हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। चटनी भी बन गई है, गोश्त भी गल गया है और मसाला भी भून गया है। तो बस अभी शाम को मगरिब के टाइम मैं इसमें राइस ऐड करूँगी। जब ये कुकर ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको खोल के गोश्त के साथ भी 2-3 मिनट के लिए भून लूँगी। गोश्त को ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि वो ऑलरेडी गला हुआ होता है, ज़्यादा भूनने से फिर गोश्त पूरा टूट जाता है। यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हुई है, मैं एक चीज़ डालना भूल गई हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा वो क्या चीज़ है। सुबह से इसको नूडल्स बना के दिए, अभी वापस से इसको गर्म करके दिए, ये नूडल्स को अच्छे ही नहीं लग रहे, खा रही नहीं है। अभी मैंने राइस निकाले, राइस ऊपर रखे थे वहाँ से निकाले इतनी मुश्किल से, अब इसमें से जितने चाहिए निकाल के वापस वहीं रखना पड़ेगा क्योंकि और तो किचन में तो जगह ही नहीं कुछ रखने के लिए। अंडे भी मैंने अंदर ही रखे हैं क्योंकि इल्हा मैंने हर वक्त बस अंडे तोड़ते रहती है, फ्रिज में से अंडे निकालती है, बोलती है बेबी बेबी करके खेलते रहती है और फिर तोड़ देती है, बाहर फेंक देती है। बस अभी 5 बज गए हैं, इशाल का कुरान टाइम हो गया है। तो कुकर से गोश्त मैंने निकाल लिया, इसमें अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और 2 प्याली बच्चों के लिए सूप निकाल लिया है, बाकी 1 प्याली इसमें ऐड कर देंगे, बस मसाला भून जाए फिर। तो ये रहा सूप यखनी, बहुत टेस्टी है ये। इसमें से मैंने सारा कुछ निकाल दिया क्योंकि बच्चों को कुछ नहीं पसंद होता है, बाकी इसमें 2-3 बोतलें डाल दी। तो बस मसाला भून गया, अब इसमें मैं यखनी ऐड कर दूंगी। इसमें मैंने 4.5 कप पानी डाल दिया यखनी मिला के, क्योंकि 3.5 कप राइस ले रही हूँ, तो बाकी का पानी अगर कम होगा तो इसमें बाद में डाल दूंगी। अब इसमें एक बॉयल आ जाता है तब तक मैं राइस को वॉश कर लेती हूँ। दही डालना मैं भूल गई थी तो अभी मैंने इसमें दही डाल दिया, चल जाएगा मिक्स हो जाएगा। तो ये है 3.5 कप राइस, 3.5 से थोड़े से ज़्यादा है। 4 चम्मच मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया, 1 चम्मच मैंने यखनी बनाने के टाइम डाला था और 3 चम्मच मैंने अभी डाले। तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, जब इसका पानी ख़त्म हो जाएगा तो इसको इस पर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको दम पे रख देंगे। सूप पी के लोग को मजा आ गया, बोलते हैं और है सूप, मैंने बोला मैं थोड़ा सा निकाला था, अगर पूरा सूप निकालेंगे यखनी से तो फिर पुलाव में टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए। अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी टाइम पे बन गया था, रमीज भी आ गए थे, तो बस अभी हम डिनर कर लेंगे। आज का जो पुलाव था माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था और ये जो राइस लेके आए थे इस बार ये बहुत अच्छे राइस थे, एकदम इसका दाना बहुत लंबा था और राइस भी एकदम खिले खिले बने थे। और इशाल को भी मतलब इस बार बहुत अच्छा लगा पुलाव, हम सब ने माशाल्लाह 2-2 प्लेटें खाई और सामने वाली बाजी को भी मैंने दिया, उनको भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। लेकिन वो ये थी कि हम लोग पाकिस्तान में इतने गर्म मसाले नहीं डालते, मैंने बोला इंडिया में तो हम लोग बहुत गर्म मसाले डालते हैं और हम लोग ज़्यादातर जितने भी हमारे सालन होते हैं सब में गर्म मसाले होते हैं, बिरयानी पुलाव में गर्म मसाले के बगैर तो हम बनाते ही नहीं हैं। और मतलब दूर से कोई जा भी रहा होता है हमारे घर के आस पास से तो उसको खुशबू आ जाती है, तो उससे उसको पता लग जाता है इनके घर में पुलाव बनाए या फिर कौरमा बनाए। तो बस हमने डिनर कर लिया था, डिनर करने के बाद हम लोग ने थोड़ी वॉक की, वॉक करने के बाद बच्चों को ग्रोसरी लेके गए और फिर ऐसे ही टहलते हुए घर पे वापस आ गए। Thank you.
चलते चलते हम लोग पहुंच गए स्पिनीज। और जब हम पहले यहाँ पे रहते थे तब हम स्पिनीज भी बहुत आते थे, और यहाँ से हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ लेते थे, या सैलड या फिर शुबन। शुबन मतलब क्रीम पफ होते थे। और जैसे मैंने आगे वीडियो में शेयर किया है, जो ईरानी हॉस्पिटल में एक बार गई थी वहाँ से भी मैं लेके आई थी, वो भी इशाल और मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो मैंने सोचा आज चले वो ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मिले ही नहीं आज। वो बोलते हैं कि अभी हम नहीं बनाते। तो फिर बस मैंने सुबह नाश्ते के लिए बन ले लिए थे, और बच्चों ने अपने लिए डोनट्स लिए थे। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। इनकी जो बेकरी आइटम है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, डेली फ्रेश चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मैं जब पहले यहाँ पे रहती थी तो यहाँ से मतलब ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड वगैरह, फ्रेंच ब्रेड और या फिर ऐसे ये बन, इनके जो बन हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं और ऊपर से क्रंची जैसे कड़क पाव होते हैं ना वैसे। तो आज है मंडे, 8:15 बज गए हैं, बच्चे सो रहे हैं, मैं उठ गई हूँ, रमीज भी उठ गए हैं। तो बस अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में ये जो बन कल रात में मैं स्पिनिश से लेके आई थी, ये वो बन है। और इसके ऊपर जो चीज़ है, उस दिन जो वीवा स्टोर से लेके आए थे चीज़ स्प्रेड, वो है। लेकिन इसका जो टेस्ट था बहुत ही बुरा था। और रमीज के लिए भी मैंने जो टोस्ट थे उसको बटर लगा के ओवन में ही बेक कर लिया था, और साथ में ऑमलेट। ओवन में बटर लगा के जो मैंने ब्रेड बनाए थे रमीज के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे, एकदम क्रंची थे और खाने में मज़ा आ रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद रमीज अपनी जॉब पे चले गए थे, उसके बाद मैंने घर की सफाई वगैरह की और मैं भी सो गई थी। तो अभी 12 बजे रमीज का कॉल आया था, बोल रहे थे कि बस तुम्हारे पास 1 घंटा है, बच्चों को रेडी कर लो और ख़ुद भी रेडी हो जाओ। उनका एक फ्रेंड है, मतलब उनका नाम आमिर भाई है, और उनकी टूरिज़्म की कंपनी है, डेजर्ट सफारी, मतलब कस्टमर को लेके जाते हैं वो। तो वो बोल रहे थे कि मेरा जो दोस्त है वो तुम्हें आके पिकअप करेगा घर से और तुम लोग को ड्रॉप भी कर देगा। तो आज बच्चों को तो मतलब डेजर्ट सफारी ले जाओ, इनको घुमा के लेके आ जाओ, क्योंकि रमेश को तो मतलब हॉलीडे मिलता ही नहीं है। तो वो बोलते हैं पता नहीं मुझे कब हॉलीडे मिलेगा, तो मैं पता नहीं कब जाऊँगा। तो इसके लिए बस हम आमिर भाई के साथ आज जा रहे हैं डेजर्ट सफारी। तो हम आमिर भाई के फर्स्ट कस्टमर थे और हम लोग फ्री कस्टमर थे, तो हमें कोई भी पेमेंट नहीं करनी थी रमीज़ की वजह से। और बाकी और भी दो फैमिलीज हैं, अभी उनको पिकअप करना है। तो पहली फैमिली को उन्होंने पिकअप किया लूलू हाइपरमार्केट के पास से, और दूसरी जो फैमिली थी वो थी दुबई मिरेकल गार्डन में। तो चलते हैं आज और आपको दिखाते हैं दुबई डेजर्ट सफारी कैसी होती है। तो ये जो डेजर्ट सफारी थी, ये बस एक स्टैंडर्ड डेजर्ट सफारी थी, इसमें बस आपको हर चीज़ नॉर्मल मिलेगी। मतलब जो दूसरी वाली होती है वो बहुत ज़्यादा इस लग्जरी डेजर्ट सफारी होती है, वीआईपी होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका बारबेक्यू भी डिनर जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो इशाल के लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस था, इशाल ने भी आज तक डेजर्ट सफारी नहीं देखी है। मतलब हम लोग तो पहले मतलब जा चुके हैं 2-3 बार, लेकिन इशाल के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो इशाल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं दुबई में डेजर्ट सफारी में क्या क्या होता है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। Thank you.
तो अभी हम पहुंच गए शारजा, ये हमारा पहला स्टॉप है। और यहाँ पे इन्होंने कार इसलिए रोकी है क्योंकि अगर किसी पैसेंजर को वॉशरूम जाना है, फ्रेशअप होना है, या फिर कोई गिफ्ट आइटम लेना है या कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करनी है तो वो यहाँ से ले सकते हैं। और मेरी तरफ से आपको टिप ये है कि अगर से आप कभी भी जाएँ डेजर्ट सफारी या कोई भी मतलब आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, तो अपने घर से अपने आस पास की ग्रोसरी से शॉपिंग कर लें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आपको एक चीज़ मतलब 3 गुना रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ से सिर्फ 1-2 आइसक्रीम और 2 कोला लिया, जैसे 2 सॉफ्ट ड्रिंक, तो मुझे 25 दिरहम देना पड़े। जबकि दुबई में अगर ये चीज़ आप लेंगे तो आपको शायद 10 दिरहम में ही आ जाएगी। अगर से 2.5 दिरहम की आइसक्रीम है तो यहाँ पे 10 दिरहम की दे रहे हैं। तो इसलिए बेटर ये है कि आप अपने घर से शॉपिंग करके जाएँ, क्योंकि ये सारे टूरिस्ट एरिया हैं और टूरिस्ट को इतना कुछ मालूम नहीं होता है रेट वगैरह के बारे में। जबकि आमिर भाई ने बोला भी ये मेरे साथ हैं और ये रेसिडेंस है यहाँ के, ये टूरिस्ट नहीं है, फिर भी मतलब उनके बोलने पे सिर्फ 5 दिरहम का मुझे डिस्काउंट मिला। जबकि मैंने घर से ही बच्चों के लिए स्नैक वगैरह ले लिए थे, चिप्स ले लिए थे, जूसेस ले लिए थे, चॉकलेट ले ली थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर जाके ये लोग बोलते हैं आइसक्रीम चाहिए, कोला चाहिए, और अगर इनको ना दिलाओ तो फिर इनके ड्रामे देखो, इसलिए वहाँ से लेना ही पड़ा मुझे। तो अभी हम लोग आ गए हैं क्वाड बाइकिंग के लिए, तो यहाँ पे बस बोलते हैं 15 मिनट के लिए स्टॉप करेंगे, उसके बाद में हम जाएंगे डेजर्ट सफारी कैंप में। इनका जो एंट्रेंस था बहुत ही प्यारा था, पूरे एंट्रेंस के ऊपर ये फूलों की बेल लगी हुई थी और ऐसे बीच बीच में लटक भी रही थी, तो इतना अच्छा लग रहा था जाते हुए यहाँ से। हमारे साथ जो फैमिलीज आई थी वो तो क्वाड बाइक करने के लिए अंदर चली गई थी, यहाँ से पहले उनके लिए टिकट लेना होता है फिर वो अंदर जाते हैं। दोनों बच्चे भी जिद कर रहे थे कि हमें भी अंदर जाना है, हमें भी बाइक पे बैठना है, लेकिन आमिर भाई बोल रहे थे कि नहीं, मतलब आप दो बच्चों के साथ में नहीं बैठ सकती हैं, वो अलाउ नहीं करेंगे, और मतलब सेफ्टी के लिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि शाल भी छोटी है, इल्हाम भी छोटी है और ये लोग गिर भी सकते हैं मतलब। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम रमीज़ भाई के साथ आएंगे फिर आप लोग कर लिएगा, क्योंकि एक को रमीज़ बिठा लेंगे और एक को आप बिठा लिएगा। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। बोलते अभी तो हम लोग आते रहेंगे, अभी तो मैं तो यहाँ पे रोज़ ही कस्टमर को लेके आता हूँ, तो फिर कभी आ जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद बस हम लोग यहाँ वहाँ एक्सप्लोर करते रहे, और जब इनका टाइम यहाँ से पूरा हो गया, इन लोग ने क्वाड बाइकिंग कर ली, तो वापस से हम लोग अपने बस कार में बैठ गए। Thank you.
ये है सैंड आर्ट, और यहाँ पे ये मतलब एक बॉटल का 50 दरम ले रहा था, जबकि सेम बॉटल आपको डे टू डे या फिर 1 to 10 में 10 दरम की मिल जाती है। यहाँ पे कैमल राइडिंग भी थी, बस वो सबसे ज़्यादा चीप थी, 10 दरम में वो एक राउंड दे रहा था, मतलब बहुत छोटा सा राउंड। तो मैंने इशाल को बोला करने के लिए, इल्हाम को भी, लेकिन दोनों भी नहीं बैठे, दोनों भी बहुत डरते हैं। ये जो बेबी हैं ये भी हम लोग के साथ नहीं आए हैं एक ही कार में, तो बच्चे भी पूरा टाइम इनके साथ में कार में भी खेल रहे थे, अब यहाँ पे भी खेल रहे हैं। इन लोग की कॉर्ड बाइकिंग हो गई है, अभी हम लोग दूसरे कपल का वेट कर रहे हैं, जब उनकी भी हो जाएगी तो फिर हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे ड्यून बैशिंग के लिए।
तो बस अभी हम लोग सब कार से नीचे उतर गए हैं और यहाँ पे सैंड बोर्डिंग जिसको करना है वो सैंड बोर्डिंग कर सकते हैं और जिसको फोटोग्राफ्स लेना है वो फोटोज ले सकते हैं। तो मैंने भी इशाल और इल्हाम की बहुत सारी फोटोज ली और आमिर भाई ने भी ली, फिर उन्होंने बाद में मुझसे शेयर कर दी थी। इन लोगों को देख के मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं भी सैंड बोर्डिंग करूँ, क्योंकि बहुत ही ईजी था, सिर्फ स्लाइड करना है अपने और आप सीधा नीचे पहुँच जाओगे। लेकिन मैंने कपड़े इस तरह पहने थे, मतलब मेरे लॉन्ग ड्रेस था, तो मैं सोचा कहीं कपड़े फंस फंस के मैं गिर वर ना जाऊँ, इसके लिए मैंने बोला छोड़ो जाने दो। विशाल को मैंने बहुत बोला लेकिन उसने भी, वो मतलब उसको कोई एडवेंचर्स में इंटरेस्ट नहीं होता है। ये सारे दूसरी कार के कस्टमर हैं, तो ये शायद आमिर भाई के कोई दोस्त हैं शायद, तो ये हमारे साथ साथ ही चल रहे थे। तो बस हम लोग अभी वापस वही पॉइंट पे आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे अभी वो अपनी कार क्लीन करवाएंगे और जो एयर उन्होंने टायर की निकलवाई थी अभी वो वापस से डालेंगे, और जब तक कि हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। और हमें इतनी ज़ोर की भूख लग रही थी क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो बस मैंने यहाँ पर कॉर्न लिया, एक कॉर्न यहाँ पर 25 दिरहम का था। तो बस फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं डेजर्ट सफारी कैंप के लिए, और दोनों बच्चे थक चुके हैं और दोनों को भी नींद आ गई है। तो ये है डेजर्ट सफारी कैंप। तो एंट्रेंस के पहले अगर किसी को कैमल राइड या हॉर्स राइड करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एंटर होंगे राइट साइड में आपको टी कॉफ़ी स्टेशन मिल जाएगा, और उसके बाजू में शीशा है, तो अगर किसी ने शीशा लेना है तो वो भी ले सकते हैं। और अनलिमिटेड सॉफ्ट ड्रिंक, टी कॉफ़ी, वाटर, ये सब पैकेज के अंदर इंक्लूडेड होता है। बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हैं मतलब तनूरा डांस, बैली डांस और फायर शो, प्लस बारबेक्यू बुफे। और बारबेक्यू बुफे सिर्फ नाम होता है लेकिन वो रियल में बारबेक्यू नहीं होता है, सिर्फ दाल चावल सब्जी होती है। और बाकी अगर हेन्ना वगैरह लगाना है वो भी पैकेज में इंक्लूड है, लेकिन किसी को इतना टाइम नहीं होता है कि वो हेन्ना लगाए, अगर वो हेन्ना लगवाने जाएगा तो ये सारे शो मिस कर देगा। और अगर आपने फ़ोटो लेनी है अपनी तो वो भी, उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। और अगर से आपने बर्ड्स के साथ पिक्चर बनवानी है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। तो इस तरह अलग अलग यहाँ पे शॉप्स बनाई हुई हैं, तो जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे आपको मतलब जो चीज़ आपने लेनी है आप उस हिसाब से पे करो और ले सकते हो। बाकी जो चीज़ें हैं वो इस पैकेज के अंदर इंक्लूडेड होती हैं।
गर्ल गर्ल कैन बी अ बेली डांसर राइट। बैली डांसिंग का शो ओवर होते ही उन्होंने बुफे की अनाउंसमेंट कर दी। फिर हम लोग खाना लेने के लिए गए तो वहाँ पे मतलब ए टू जी सारी जो डिशेस थी सारी वेजिटेरियन डिशेस थी। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये तो बारबेक्यू बुफे है, इसमें बारबेक्यू तो है ही नहीं। फिर हम लोग अपना खाना लेके आ गए तो फिर मैंने बोला कि ये बारबेक्यू बुफे है तो लाजिम बारबेक्यू होना चाहिए। तो हम लोग दोबारा गए, जब दोबारा गए तो मतलब पहले राउंड में बंदा कोई नहीं था वहाँ पर, दोबारा राउंड में एक बंदा खड़ा था कोने में और एक प्लेट लेके बारबेक्यू की। उसमें बारबेक्यू में क्या था, सिर्फ चिकन के पीसेस थे और कुछ भी नहीं, ना कबाब ना और कोई चीज़, और बिल्कुल ठंडे। और वो सबको पूछ के दे रहा है कि मतलब आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, तो अगर आप नॉन वेज हो तो वो आपको दो चार पीस दे देगा इस तरह। तो बस हमने बस वो ले के गुजारा किया। और फिर अभी हम लोग आ गए थे जब तक कि फायर शो भी स्टार्ट हो गया था, तो ये लास्ट शो है, इसके बाद बस ख़त्म। Thank you.
तो ये था हमारा डेजर्ट सफारी का एक्सपीरियंस। हमने आज स्टार्ट किया था 1 बजे और अभी 8:30 बज रहे हैं, तो अभी ये ख़त्म हुआ है। और जैसे ही बस हम यहाँ से निकलने लगे तो इल्हाम ने बोला कि मुझे ये टॉय चाहिए, तो इन दोनों को मैंने ये टॉय दिलाया और बस हम घर के लिए निकल गए। अभी घर पहुँचते पहुँचते भी हमें 10:30 बज ही जाएंगे। जिस तरह हम आए थे उस तरह हम वापस भी जाएंगे। पहले आमिर भाई जो दूसरे कस्टमर है उनको ड्रॉप करेंगे और लास्ट में हमें। ओके फ्रेंड, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।